7250 DI मैसी फर्गूसन 46 HP की रेंज है। दोस्तों इस ट्रैक्टर पर नज़र किसानों की आजकल कम है, हर कोई आगे भाग रहा है। कारण क्या है, 7250 जो है इसमें 46 HP का इंजन है। इसमें वो इंजन है जो कुछ दिन पहले तो तकरीबन लगा लो 5-6 साल पहले बंद हो गया, शायद 245 आता था 45 HP का, 45 से 46 का वो इंजन इसमें है। वो इंजन हंटिंग नहीं करता सिरों पे, बहुत बढ़िया 241 की तरह आवाज़ करता है। और जो 50 HP रेंज वाला वो सिरों पे हंटिंग करता है, मतलब हुड़ुक 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 हुड़ुक, मतलब फोड़ की तरह। मुझे इसकी आवाज़ पसंद है और 45-46 HP कम नहीं होती काम करने के लिए किसान के। और भाइयों इसकी कीमत बहुत कम है, इसकी कीमत 5,90,000 रुपये बताई है इन्होंने। आप अगर कोई लेना आएगा बात करेगा तो शायद और भी 19-20 हो जाए। अब देख लीजिए आप, सीधा एक्सल है, 14 के टायर हैं, ऊंचे पायदान हैं, सस्ते मारे पूरे बढ़िया। 14928 का टायर, एक्सेलेटर बहुत अच्छी जगह दिया इसका। ऑयल ब्रेक है जी, इसमें ऑयल ब्रेक है जी ऑयल ब्रेक, ऑयल ब्रेक में भी आ गया है। और सीट एडजस्टेबल है, फिटिंग ऐसा है बिल्कुल ड्राइवर मज़े में चलाता है। तीसरी बात यह है कि इसका जो पिछला हिस्सा है, गियरबॉक्स की बॉडी चकोर है, स्वराज की तरह गन्ने की ट्रॉली ले जाएंगे तो हिच इसकी सीध में आ जाएगा टायरों की, लाइट भी नहीं खोलनी पड़े नहीं। लंबाई बहुत अच्छी है, ऊंचा ट्रैक्टर है, कीमत 5,90,000, जबकि 5,90,000 में ये 245 नीचे पायदान को नहीं देने वाले। तो मुझे ये ट्रैक्टर इसलिए पसंद है, रही ताकत की बात, आप 60 HP का ले लो, 45 का ले लो, चलाने वाले को ऊपर बात है, उससे कितना तेल खुआ ले, कितना काम कर ले, अपने हाथ बात है। मेरे पास 245 नीचे पायदान का है, उसकी कीमत आज ये 6,30,000 में दे रहे हैं। ये 40,000 मंदा है, 14 के टायरों में है, हमारा 13 का है। तो दोस्तों किसी भाई को आवश्यकता हो तो वो मेरे कहीं से एक बार इसकी टैमो ट्राई कर ले, रोटावेटर चला के देख ले। मैंने गांव में टैमो कराया था, बहुत ज़बरदस्त ताकत निकालता है। और इस 7250 को और अंदर वाले 50 HP वाले को, दोनों को साथ खड़े करके स्टार्ट करो, आवाज़ सुनना, आप मेरी बात को पानी दोगे, कहोगे कि इसकी आवाज़ बढ़िया है। दोस्तों उससे 1,00,000 रुपये सस्ता है, बहुत प्यारा है। मैं यूँ नहीं कहता आप इसे लो, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा, ना मैं कोई ज़्यादा सिफारिश का, मैं तो अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। हमने जिस टाइम 45 लिया था, हमें इसका पता नहीं था, वो 45 बंद हो चुका था और वो इंजन इसमें आया, इसका हमें अनुभव बाद में हुआ। बहुत प्यारी आवाज़ है, तो कोई किसान भाई इसकी ट्राई ले तो ये बहुत बढ़िया पीस है। ये कम से 6 महीने से खड़ा, कोई ग्राहक ही नहीं रखा रहा इसकी तरफ को। अरे भाई इससे बढ़िया ट्रैक्टर नहीं मान रहा मैं, क्योंकि पसंद अपनी अपनी है। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार इसको चला के देखो, उसका अगर चलाने का कोई पैसा नहीं लगता, अच्छा लगे तो आगे बात करना। नमस्कार।